आजकल पता है हम लोगों में बहुत, देखो बहुत फ्रस्ट्रेशन है हम सब में, और मजाक तो लोग आजकल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। जैसे मैं मार्केट में घूम रहा था, एक दिन एक औरत आई भीख मांगते मुझे, बोली भैया पैसे नहीं चाहिए, बहुत भूख लगी है, एक चिप्स का पैकेट दिला दो। तो मैं उसको ले गया दुकान पे, मैंने भैया इनको पैसे नहीं चाहिए, एक चिप्स का पैकेट दे दो, और मुझे भी पैसे नहीं चाहिए, एक भुजिया दे देना। आप बताइए इसमें काउंटर से उछल के थप्पड़ मारने वाली क्या बात है? ऐसा क्या कर दिया, हल्का सा मजाक कर दिया। तो यार सबको ना बाहर से इमेज बना के चलनी है, एक हम सबको बाहर से एक इमेज दिखानी है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर हम सब लोग इमोशनली बहुत वीक हैं। अच्छा, सबके मन में कहीं ना कहीं एक कहानी नहीं चल रही होती जिसमें लगता है कि जितना स्ट्रगल मैंने किया है, ऐसा लगता है कि जितने दुख भगवान ने मेरी जिंदगी में दिए है ना, ये तो बस मैं अभी बयान ही करता हूं। और ये बात मुझे तब समझ आई, मैं किसी को अपना हाथ दिखा रहा था सर, एक बार मैंने हाथ दिखाया, मुझे तब लगा कि ये लोग सबसे पहले वही इमोशनल पॉइंट बोल देते हैं आपका, और आप वहीं बह जाते हो। मैंने हाथ दिखाया, मैंने बोला भैया बताओ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही। उसने ढंग से देखा, 10-15 मिनट लगाए, फिर बोला कि आपको लोग समझ नहीं पाते हैं ना। मैंने कहा ये बात आपको कैसे पता चली? कह रहा क्योंकि मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसा हाथ है? मैं बोला बताओ क्या करे फिर? कह रहा तुमको एक उपाय बताता हूं, रातों रात लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। मैंने बताओ क्या करना है? कह रहा तुम ना सोते हुए गरीब को कंबल उड़ा देना, पर पता ना लगे तुमने उड़ाया है। मैंने अमेजोन से 10 कंबल ऑर्डर करे, और पिछली सर्दियों में रात को 1:30 बजे मैं निकल गया। अब पहला गरीब मुझे सोता हुआ मिला जिसपे ऑलरेडी कंबल था, तो मुझे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि चलो यार लोग, मतलब आज के टाइम में भी इतने अच्छे लोग तो हैं कि कोई गरीब रात को बिना कंबल के नहीं सोया हुआ है। बट आप समझिए सुबह 8 बजे मेरा ऑफिस होता है, और कंबल भी मैंने 10 उठा रखे हैं। तो जितना जल्दी एक गरीब बिना कंबल के मिल जाए उतना बेहतर है। मैं 2-3 घंटे घूम लिया, कोई गरीब बिना कंबल के सोया ही नहीं हुआ है। भाई साहब इस देश से गरीब गए कहां? शाम तक तो ये लोग मार्केट में चिप्स मांग रहे थे, अब मस्त अपना सोए पड़े सारे। और मेरे को गुस्सा तब आया 4:45 बजे मैंने एक गरीब को 4 कंबल ओढ़े हुए देखा। इतनी तो ठंड भी नहीं है यार। और सबसे ऊपर उसने ओढ़ा हुआ था मोंटे कार्लो का पिंक कलर का कंबल। ये वो कंबल था दोस्तों जो मैंने अमेजोन पे अपनी विश लिस्ट में डाला हुआ था। इस बार हाइक आएगा ना तो ये वाला कंबल लेंगे, ये अच्छा लग रहा है। मेरा ऐसा दिल टूटा, मैंने उसके 4 कंबल उठाए, गाड़ी में रखे, मैं चल दिया। मैंने भाई साहब मेरा लाइफस्टाइल तो चेंज हो ना हो, तेरा तो नॉर्मल कर जाऊं, तेरा तो हक है बिना कंबल के सोना, तू कैसे 4 कंबल ओढ़ के सोया हुआ है? उठ के मेरे पीछे भागा, 1 किलोमीटर तक दौड़ा सर गाड़ी के पीछे, 1 किलोमीटर तक, फिर बेचारा थक के वही फुटपाथ पे सो गया। 2 कंबल उड़ाए मैंने, 2 और उसका मोंटे कार्लो वाला फिर मैं ले आया। ऐसे नहीं तो ऐसे, अब लाइफस्टाइल तो चेंज होके रहेगा भाई, गुरुजी ने बताया बिल्कुल एकदम। बोलो बहुत वीक है पता है इमोशनली। और एक और बात बताता हूं आप लोग को, लड़के ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं, हम लोग बस एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैं हर शो में एक बार चेक करता हूं, पूछ के देखता हूं, सर आप रोते हैं? तो घबराए गए, कैसा सवाल पूछ लिया यार, पूछा ही नहीं, ये नॉर्मल है सर, अभी आसान होगा। ये आता है बिल्ड, आपको समझ नहीं आया कैसा सवाल पूछ लिया, अगले से पूछूंगा वो हाँ करेगा, तीसरे से पूछूंगा वो और हाँ करेगा, पांचवा रो के ही दिखाएगा एकदम। क्या क्या पूछ लिया यार, हम लोग से पूछा ही नहीं कभी किसी ने, पता है लड़के। और आप लोग तो पता है फिर भी बहुत स्वीट हो सर, कि नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मैंने एक बार ये सवाल गुड़गांव में परफॉर्म करते हुए पूछ लिया था किसी लड़के से, मैंने भाई साहब आप रोते हैं? बोला रो में तो ना है, रवा देंगे। कैसे आप ऐसे आदमी से कैसे इंटरनल इमोशन की बात कर सकते हो यार, जिसके लिए दिल का मतलब बस छाती मारना है, क्या बात करोगे आगे उससे यार। और मैं तो बहुत इमोशनल हूं पता है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे को हर इमोशन अच्छा लगता है। जैसे मेरे को तो मतलब सैड स्टोरीज पसंद है, जैसे मेरे को आप अपनी कहानी बताओगे ना कि मेरी माँ मार, मैं अपने आप दूंगा। तो
थोड़ा सा कुछ तो सैडनेस हो कहानी में यार, इतना हैप्पी एंडिंग नहीं चाहिए। जैसे अपने बारे में बताता हूँ आप लोग को, आप लोगों ने वो रियलिटी शो की इमोशनल ऑडिशन वाली वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, है ना? मैंने वो छान छान के देखी हुई है। आप ये लगा लो मेरे को पर्टिकुलरली पता है कि किसकी माँ कहाँ बर्तन मांझती है। मैं रिक्शा में बैठते ही बता देता हूं कि तुम्हारी बेसुरी औलाद सेकंड ऑडिशन में बाहर निकली थी ना, तुम पूरा परिवार ही गरीब मरोगे, तय चलो। अब इसमें मैं मां बताऊं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? एक रात 2 बजे की बात है, मैं आराम से अपना इंडियन आइडल के ऑडिशन की वीडियो देख रहा था। एक गरीब बच्चा आया, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे उसने, उसने अपनी पूरी सैड स्टोरी बताई, फिर उसने सैड गाना गा दिया, सब लोग रो पड़े, जजेस भी रो रहे हैं, ऑडियंस भी रो रही है, सब लोग रो रहे हैं, और 2 आंसू मेरी आंख से भी गिर गए। अभी तक मैम कुछ गलत यहाँ पे नहीं ना, ये करते हुए मेरी वाइफ ने देख लिया मुझे, और उसने ये बात पूरी फैमिली में जाके ऐसे बता दी कि रात को 2 बजे बैठ के अकेला बच्चों की वीडियो देखता है। मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ दोस्तों। अब उस दिन के बाद मेरे घर में मेरी ऐसी दुर्गति हो गई है कि हर फैमिली फंक्शन में हमारे घर में रिश्तेदारों के बच्चे आ तो रहे हैं, पर नाइट से किसी की माने करने दे रही। सब 10 बजे घर ले जाते हैं कि जल्दी घर चलो भैया, 2 बजे वीडियो देखते हैं, पता नहीं 2:15 बजे भैया का क्या मूड होगा, यहाँ कोई नहीं सोएगा। मेरी तो इंटेंशन इतनी अच्छी होती है ना, मेरी इंटेंशन कभी खराब नहीं होती। मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी थी ना दोस्तों, मेरा सबसे पहला ख्याल पता क्या आया था कि पहले किसी गरीब का भला करता हूं। आप ही ओढ़े हुए थे क्या 4 कंबल? ये आ गया। मेरा सबसे पहला ख्याल था किसी गरीब का भला करते हैं, और जबकि उस टाइम सबसे गरीब मेरा बाप ही था जिसने लोन लेके मुझे बीटेक कराई थी, पर मैं निकला था देश में गरीब ढूंढने से। हम लोग मनाली घूम रहे थे, मनाली के ऊपर एक जगह रोहतांग, पता है ना हम लोग को, हम वहां घूम रहे थे, एक रोडवेज बस आई, उसमें से एक बंदा उतरा, उसके हाथ में बाल्टी थी, उसने छोले कुलचे बेचे, फिर वो बस में बैठ के चला गया। ऐसे उसने 2-3 चक्कर लगाए, मुझे उस पर दया सी आ गई, मैंने उसको रोक के 2,000 रुपए दे दिए। मैंने भैया ये रख लो, अपने बच्चों को मिठाई कपड़े दिला देना, मेरी जॉब लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बैठ के मुझे अपनी कहानी बताने लगा, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बताने लगा भैया कि मैं सुबह आता हूँ ये बेचता हूँ, फिर जाता हूँ इसे रात को 11 बजे तक चक्कर लगाता हूँ, और 30 के 30 दिन काम करता हूँ भैया, छुट्टी भी नहीं मिलती कोई भी, कितनी बार तो 8-10 दिन तक बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाता भैया। मैंने कहा यार असल मेहनत का काम तो तुम कर रहे हो, कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है, कितना कमा लेते हो? ये तो हम लोग का हक है पूछना। तो भैया कितना कमा लेते हो? कह रहे भैया हो जाता है 70-80 हजार का महीने का। मैंने कहा पहले तो तू मेरे वाले 2,000 दे। हराम खोर, अब 2,000 मुझे और दे, मैं पूरा घिसूंगा जब 23,600 आएगा मेरा। ये तू हंसी मजाक में 70-80 हजार कमा ले रहा है यार, और ये तो मेरा रिटायरमेंट प्लान था ना कि एंड में मनाली में जाके एक छोटा सा बिजनेस कर लेंगे अपना। ये तो बिजनेस एज यूजुअल में कैसे जी रहा है इसको, क्या वापिस दे भाई कैसे यार? मेरे को तो इमोशनल करके इतना पागल बनाया लोगों ने, इतना पागल बनाया। मैं हमेशा सर कहीं भी किसी शो से बात जाऊंगा ना कोई मुझे रोज मिल जाता है कि भैया मैं पटना से हूं, मुझे 2 महीना इन लोगों ने काम करा लिया, मजदूरी करा ली, मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, मेरे पास घर जाने का पैसा नहीं, आप बस 1,000 रुपए दे दो, मैं किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊंगा। मैं दे देता हूं, और अब मैं इतने 1,000 रुपए दे चुका हूं दोस्तों कि अगर वो लोग एक्चुअली अपने घर जा रहे हैं तो सोनू सूद से ज्यादा लड़के मैं भेज चुका हूं घर। इतना इमोशनल कर देते हैं। और मैं तो, मेरे को ये भी लगता है, मेरे को रात को तो सर मेरे को वैसे ही डर लगता है, मैं रात को बाहर निकलता हूं ना, कोई भी अगर मेरे से भिखारी भी आके बोलेगा ना भैया भूख लगी है, तो मेरी जेब में जो पैसे होते हैं मैं दे देता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है। मेरी माँ हमेशा बोला करती थी कि भाई रात एटलीस्ट सबकी शांति से निकलनी चाहिए, कि इतना हक तो सबका ही, कोई भूखे पेट ना सोए। तो कोई आता है ना मांगेगा, मैं पैसे देता हूं कि चल यार अभी तो सो तू, बाद का देखेंगे, पर वहीं सुबह आप मुझे पागल नहीं बना सकते। सुबह मैं निकलता हूं एकदम हाईली मोटिवेटेड, पूरा वीडियोस वगैरह देख के। एवरी डे इज ए फ्रेश बिगिनिंग ऑफ लाइफ, हमेशा एकदम बढ़िया वीडियोस देख के निकलता हूं। उस दिन मैं सुबह निकला 11:30 बजे, एक बंदा आ गया बोला भैया भूख लगी है। मैंने अभी से, मैंने अभी तो मैं भी इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे हूं, चढ़ते हुए सूरज पे तू दुनिया से कैसे हार मान सकता है यार, थोड़ा तो जिंदगी में फाइट कर, अभी सुबह सुबह कैसे यार तू, थोड़ी तो कोशिश कर थोड़ा। मैं एकदम मोटिवेटिंग मोड में रहता हूं अब। भाई साहब मानोगे नहीं, 4 भिखारियों की तो मैंने TCS और इंफोसिस में जॉब लगवाई है।
अपने naukri.com से कि भैया करो यार। अब मुझे समझ आ गया गेम कि कोई आपको आगे इमोशनल करे उससे पहले आप उसे मोटिवेट कर दो। गेम ही खत्म हो गया। अब मैं तैयार रहता हूँ एकदम बढ़िया। उस दिन मैं घूम रहा था मार्केट में, एक भाई साहब दिखे मुझे बेंच पे बैठे थे, बहुत उदास लग रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं इसके पास नहीं गया तो ये आएगा कोई इमोशनल स्टोरी बताएगा, फिर 1500 गए मेरे। तो मैं अपनी इनसिक्योरिटी के चलते खुद ही उसके पास पहुंच गया। मैंने बोला भैया क्या दिक्कत हो गई यार, बहुत उदास लग रहे हो आप। तो अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा कि मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मेरी बीवी चली गई, मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूँ, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। मैंने पूरा ट्राई कर लिया सर, आधा घंटा पूरी मेहनत कर ली, मोटिवेट हुआ ही नहीं वो आदमी, एकदम सैड पे सैड कहानियां सुनाया जा रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आए। फाइनली जब मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मैंने बोला एक बार अपना हाथ दिखाओ आप। आपको लोग समझ नहीं पाते हैं ना।